Hello and welcome students in Subhash English School Digital Class. Today we are going to continue our chapter 7 part 2 Coorg. Coorg is a coffee country famous for its rainforest and spices. So students, ये Coorg है कि कर्नाटक में एक hilly area है, यहाँ पर मौजूद है ये, और ये जाना जाता है यहाँ के टी प्लांटेशन के लिए और काफ़ी फेमस है। उसके अलावा रेन फॉरेस्ट और अलग अलग टाइप के यहाँ पे स्पाइसेस हमें देखने को मिलते हैं या प्राप्त होते हैं। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ द मैंगलोर सिट्स अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। मिडवे यानी कि बीच रास्ते मैसूर और मैंगलोर के बीच में एक जगह है जो ऐसा लगता है कि कोई हेवन का कोई प्लेस हो, जो किंगडम ऑफ गॉड से सीधा लिया गया हो। दिस लैंड इज रोलिंग हिल्स इज इनहैबिटेटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, ब्यूटीफुल वुमन एंड वाइल्ड क्रीचर्स। अगर इस धरती पे हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे या इसमें जाएंगे इस एरिया में, तो हम देखेंगे कि यहाँ के जो ओल्ड फैशन ट्रेडिशनल लोग यानी कि मार्शल मैन वो हमें दिखाई देंगे, ब्यूटीफुल वुमेंस और कुछ वाइल्ड क्रीचर्स हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये पूरा जंगली इलाका है, काफ़ी ब्यूटीफुल नेचुरल सीनरी है यहाँ पर। Coorg एंड Kodagu द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ये Coorg और Kodagu जो है कर्नाटका की काफ़ी स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। इज अ होम ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन। ये यहाँ पर हमें एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, कई सारी स्पाइसेस वाले पौधे यहाँ पे उगते हैं वो हमें देखने को मिलेंगे, और कॉफ़ी प्लांटेशन देखने को मिलेगा। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। तो इस डिस्ट्रिक्ट के 30% एरिया पर एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें देखने को मिलता है। ड्यूरिंग द मानसून इट पॉट्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। जब मानसून सीजन होता है तो काफ़ी बारिश होती है जिससे विजिटर्स उस समय नहीं आते। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर टू कंटिन्यू टिल मार्च। और यहाँ का जो सबसे बढ़िया सीज़न है घूमने का या देखने का एरिया को, तो वो है सितंबर से मार्च। द वेदर इज़ परफेक्ट विद समा शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर्स। और यहाँ के वेदर काफ़ी परफेक्ट है, एकदम हिल स्टेशन की तरह, बस कभी कभी बारिश हो जाती है। द एयर ब्रीड्स ऑफ इन्विगेटर्स कॉफीज। और यहाँ के जो एयर है वो काफ़ी प्लांटेशन के लिए काफ़ी अच्छी होती है, इसके हवा में काफ़ी प्लांटेशन की स्मेल हमें जान पड़ेगी या हम जान सकते हैं इसके फ्रेग्रेंस से। कॉफ़ी एस्टेट्स एंड द कॉलोनियल बैंगलोर स्टैंड टक्ड अंडर द ट्री कैनोपी इन अवर प्राइम कॉर्नर। और हम यहाँ देखेंगे कि कई सारे पुराने कॉलोनियल बैंगलोर अंग्रेजों के समय के बैंगलोर बने हुए भी हमें देखने को मिलेंगे। एन स्टेट और ट्री की कैनोपीज यानी कि पेड़ों की छाया के अंदर हमें कुछ जो है कॉलोनियल बंगलास और कुछ प्राइम कॉर्नर्स भी देखने को मिलेंगे, मतलब अच्छी रहने की जगह। द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ Coorg आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। और हम देख सकते हैं कि यहाँ के जो Coorg लोग हैं उनके जो रहने का तरीका, पहनावे का, खाने का टेस्ट, वो किन से मिलता जुलता है? ग्रीक और अरब से। एज वन स्टोरी गोज अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल हियर व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल। दीज पीपल मैरिड अमंगस्ट द लोकल्स एंड देयर कल्चर्स इज अपेरेंट इन द मार्शल ट्रेडिशंस मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स विच आर
डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम्स एंड थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉस सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग एंड ब्लैक कोट। तो हम देखते हैं कि यहाँ का जो कल्चर है ना, वो एक आदिवासी की तरह है, और यहाँ पे दो सभ्यताएँ, एक तो ग्रीक और एक अरब, इनके पहनावे, खान पान, रहन सहन, इनमें ये दिखाई देगी। ये लोग जो है यहाँ के कुर्ग लोग, कुर्गिश, ये काफ़ी बहादुर होते हैं। और पहली स्टोरी के अनुसार जब अलेक्जेंडर ने अपनी आर्मी को इधर रिसर्च करने के लिए भेजा कि यहाँ अटैक किया जा सकता है कि नहीं, तो यहाँ के जो आर्मी के लोग जो आए, उनको यहाँ की जगह इतनी पसंद आई कि वो यहीं रुक गए और यहीं की महिलाओं से शादी की और अपने परिवार को आगे बढ़ाया। इनका पहनावा भी कुछ इसी प्रकार का हमें देखने को मिलता है, एक लॉन्ग ब्लैक कोट पहनते हैं विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट, उनकी बेल्ट पर, जो वेस्ट पर एक बेल्ट बांधते हैं जो एम्ब्रॉयड्राइड होता है, बाय अ कोडोवस नोन एज कुपिया, जिसको कुपिया कहते हैं वो। इट रिजेंबल्स अ कुफिया वर्न बाय द अरब एंड द कुर्द्स, अरब और कुर्द्स लोग कुफिया नाम का इसी प्रकार का कोई वस्त्र पहनते हैं जो कि इनसे काफ़ी मिलता जुलता है। कुर्ग होम्स हैव अ ट्रेडिशनल ऑफ हॉस्पिटलिटी एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वैलोर रिलेटेड टू दियर सन्स एंड फादर्स। अब ये कुर्गिश लोग जो हैं, ये अपने ट्रेडिशनली ही रहना पसंद करते हैं। उसके अलावा इनके जो बेटे और फादर हैं, बेटे जो फादर से सन से काफ़ी बहादुरी की, वेलोर मीन्स बहादुरी होता है, बहादुरी की किस्से सुनते हैं और ये लोग काफ़ी बहादुर होते हैं। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन इंडियन आर्मी एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वॉज अ कुर्गी, और इसी कारण से हमारे जो इंडियन आर्मी में इनके नाम से एक स्पेशल रेजिमेंट है, और हमारे जो फर्स्ट इंडियन आर्मी के चीफ रहे जनरल करियप्पा, वो भी कुर्गी थे। इवन नाउ कोडवस आर द होली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस, यहाँ तक कि इनको इतना साफ सुथरा और देशभक्त माना जाता है कि इंडियन सरकार ने इनको हथियार के बिना लाइसेंस के ये लोग रख सकते हैं, इसकी परमिशन है इनको। द रिवर कावेरी ऑब्टेंड इट्स वाटर फ्रॉम हिल्स फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग, कुर्ग के जो फॉरेस्ट और हिली एरियाज है वहाँ से रिवर कावेरी वो निकलती है। महाशीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश अराउंड इन दीज वाटर्स, और महाशीर एक प्रजाति होती है मछली की जो फ्रेश वाटर में पाई जाती है, ये इस एरिया में मिलती है। किंग फिशर्स डाइव्स फॉर देयर केज, और किंग फिशर्स यहाँ पर हमें दिख जाएगी अपने शिकार को पकड़ते हुए। वाइल स्क्वायरल्स एंड लंगूर्स ड्रॉप्ड पार्शली ईटन फ्रूट्स फ्रॉम द मिसचीफ्स एंड एंजॉयिंग द स्प्लैश एंड द रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर, और यहाँ पर हमें स्क्वायरल और लंगूर्स वगैरह जो है अपने कुछ जो खाते हैं, वो जो भी फ्रूट्स वगैरह वो खाकर फेंकते हुए यहाँ के पानी में खेलते हुए हमें दिखाई देंगे। एलिफेंट्स इंजॉयस बींग बदिंग एंड स्क्रब्ड इन द रिवर्स बाय देयर महावत, और एलिफेंट्स भी हमें यहाँ पर पानी में खेलते हुए नजर आएंगे अपने महावत के साथ। महावत मतलब होता है इनके ड्राइवर होता है, एलिफेंट ड्राइवर को कहते हैं। द मोस्ट लेडबैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर्स विद रिवर राफ्टिंग, इसके अलावा यहाँ पर कई सारी हाई एनर्जी एडवेंचरिंग स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं, जैसे कि राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग। न्यूमरस वॉकिंग ट्रैक्स इन दिस रीजन्स आर अ फेवरेट विद ट्रैकर्स, तो जितने भी ट्रैकर्स आते हैं उनके लिए यहाँ पे फेवरेट है इन सब स्पोर्ट्स के लिए। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर हियर टू गिव यू कंपनी, अगर हम या इस एरिया में जाएंगे तो हमें बटरफ्लाइज, बीज और बर्ड्स की कंपनी मिलेगी। मैकॉक, मालाबार स्क्वायरल्स, लंगूर्स एंड
स्लेंडर्स लॉरीज कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री ऑफ कैनोपी, और ऊपर पेड़ों की छाया से ये जो जानवर हैं ये अलग अलग प्रकार के, ये हमें वहाँ से लगातार हमारे ऊपर वॉच करेंगे। आई डू हाउ एवर प्रीफर टू स्टेप साइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स। इसके अलावा यहाँ पे लोग जो है वाइल्ड एनिमल्स भी हमें देखने को मिलेंगे। टू क्लाइम टू द ब्रह्मागिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इंटू अ पेनोरामिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। उसके अलावा हमें यहाँ पर पेनोरामिक व्यूज यानी कि बिल्कुल मनोहर दृश्य वो हमें देखने को मिलेगा। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकर्स आइलैंड्स ऑफ निसर्गंधमा। निसर्गंधमा नाम की कोई जगह है, तो वो एक रोपवे को क्रॉस करके 64 एकड़ में फैली हुई जगह है। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट टाइबेटन सेटलमेंट एट नियर बाय बेलाकुपे इज अ बोनस। और यहाँ पर जो टाइबेटन बुद्धिज्म सेटलमेंट यहाँ पर हुआ क्योंकि टाइबेट पर चाइना ने कब्जा किया, तो वहाँ से जो मॉन्क्स है वो वहाँ से निकल कर इस एरिया में भी आए हैं काफ़ी लोग, तो उनकी मोनेस्ट्रीज वगैरह हमें यहाँ देखने को मिलती है। द मॉन्क्स इन रेड ऑर्चरे एंड येलो रॉप्स आर अमंगस्ट इन मैनी सरप्राइजेस दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर्स सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया राइट हियर इन कुर्ग। और यहाँ पर जो ये जो लोग रह रहे हैं बुद्धिस्ट मॉन्क्स वगैरह, तो ये हार्टली वेलकम करते हैं हमारा, और यहाँ के जो लोग हैं उनका काफ़ी रेस्पेक्ट करते हैं, और ये सारा कल्चर जो है अपने सॉल ऑफ इंडिया के रूप में यहाँ पे मौजूद है। यही लोग कुर्ग हैं और यही इनका लाइफ स्टाइल है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज द एंड ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर 7। We'll continue in our next video. Thank you.